YouTube चैनल टेक्निकल फेरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोबाइल के अंदर, मोबाइल का जो सर्किट होता है उसके अंदर। आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। फ्रेंड्स, ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। ये क्या होती हैं, ये किस लिए मोबाइल के अंदर यूज़ की गई है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले है, आज हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में आज हम यहाँ पर डिटेलिंग करने वाले हैं। ये एक सर्किट मेरे पास है और इसके अंदर जो होती हैं दोस्तों, जो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। सो फ्रेंड्स, ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है, ये हमें चार्जिंग सेक्शन में मिल जाएगी और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डिटेलिंग बताता हूँ कि इसमें जो बॉल होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 9 बॉल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहाँ पे इस आईसी का नोस्कट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसा कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इसके कारण सारा इंडिया पूरा लॉकडाउन है, तो सारे इंस्टीट्यूट भी बंद है अभी। तो अगर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैसेज कर दीजिए, अपनी सीट बुक करवा लीजिए, जैसे ही हमारा इंस्टीट्यूट ओपन होगा, जैसे तो हमारा बैच फिर से चालू होगा, तो उसमें आपकी सीट बुक कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर प्रॉपर अगर आप काम करना चाहते हैं और आप 10 सेट आपके पास आ रहे हैं, 10 में से 10 सेट अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर 9 सेट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी और प्रॉपर ट्रेनिंग आपको वही दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप को अपडेट रखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, घर पे सेफ रहिए और अपने हाथों को एक एक घंटा में साफ करते रहिए, फ्रेश रहिए और अपने फैमिली को सेफ रखिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए, आप सेफ रहिए। और घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले, बहुत ही ज़रूरी, जब इम्पॉर्टेंट कुछ काम है तब बाहर निकले, तो अदरवाइज़ घर के अंदर सेफ रहिए। क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों, अगर आप साबित करना चाहते हो कि आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों इससे बड़ा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता। हमें घर के अंदर ही सेफ रहना है अपने घर में, और इससे हम खुद का भी भला कर रहे हैं और इसी तरह से दूसरों का भी हम इससे भला होगा। इससे इंडिया के सारे लोग सेफ रहेंगे। ये सोशल डिस्टेंस ही हमको बनाए रखनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे न्यूज़ चैनल पे, हर जगह पे। तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, तभी तो हमारा इंडिया भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमें चार्जिंग सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अंदर 9 बॉल रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ए, ये इसका नोस्कट पॉइंट है दोस्तों, A1 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ABC इस तरह से काउंट होता है ये, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। तो दोस्तों, इसमें जो है पहले ही जो है नोस्कट पॉइंट के पास A1 आप देख रहे हैं, ये आ रहा है MPM। दोस्तों, ये MPM क्या है, और यहाँ पे मैंने लिखा है वेकअप पिंस। तो दोस्तों, ये जो होती है मॉडर्न पावर मैनेजमेंट MPM के बारे में अगर आप डिटेलिंग चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि MPM क्या होता है, वेकअप पिंस क्या होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप सर्किट में अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये MPM से आ रही है ये लाइन। VREG 1.8 जो वोल्ट है, यहाँ पे हाई वैल्यू रजिस्टर जैसा कि आप देख रहे हैं 5.1 किलो ओम्स का, जो कि A1 लाइन में आ रहा है। दोस्तों, ये जो लाइन है बेसिकली ये CPU से जुड़ी हुई है और यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा, साथ ही साथ वेकअप पिन यहाँ पे दी गई है। ये एक VREG एक LDO है जो कि 1.8 इसका वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये सीधा CPU से आ रही है और ये वेकअप पिन क्या है, इसके बारे में अगर डिटेलिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट करते रहिए। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, हम उतना ज़्यादा वीडियो आपको बना के देंगे। तो दोस्तों, A2 की अगर बात करूँ तो मैं, ये बक लाइन है, I2C लाइन इसे बोलते हैं। बक लाइन क्या होती हैं, I2C लाइन क्या होती हैं, यह आपको जानना है तो नीचे कमेंट करिए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप I2C लाइन HCL SGA के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, हम इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बना के आपको देंगे। तो यहाँ पे ये SGA लाइन है, SGA का फुल फॉर्म क्या होता है, HCL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किस चीज़ से जुड़ी होती हैं, क्या काम करती हैं, तो ये आपको हम एक वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट करिए आप। तो दोस्तों, ये सीरियल डाटा आपको जो दिख रहा है, सीरियल डाटा, ये A2 लाइन जो है, ये I2C लाइन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये सीधा CPU से आती है, इसके ऊपर HCL सीरियल क्लॉक यहाँ पर दी गई है। तो ये किस चीज़ के लिए होती हैं, क्या काम करती हैं, तो इसके ऊपर अगर आप
डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस लाइन को छोड़ देते हैं और यहाँ पे B1 जैसे कि आप देख रहे हैं, B1 से यहाँ पे हाई वैल्यू एक रजिस्टर 0 ओम्स का एक रजिस्टर लगा है और ये बैटरी थर्मिस्टर थर्मल का काम करता है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मोबाइल जो है ना शट डाउन हो रहा है या फिर अनेबल टू चार्ज बता रहा है, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको ये B1 वाली लाइन से प्रॉब्लम होता है। चाहे ये रजिस्टर शायद अगर ओपन हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है और ये DC-to-DC कन्वर्टर ऐसी ख़राब हो जाती है तब भी आपको बैटरी से प्रॉब्लम आएगा, थर्मिस्टर का प्रॉब्लम और टेम्परेचर का सारा जो प्रॉब्लम है यहीं से आएगा आपको B1 की लाइन से। यहाँ पे एक HVR एक रजिस्टर लगा हुआ है हाई वैल्यू का, जो कि 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इसकी सप्लाई आ रही है VDD से, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर B2 की बात करूँ तो B2 यहाँ पर ग्राउंड है और अगर B3 की बात करूँ तो ये VDD की सप्लाई है यहाँ पर आ रही है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर C3 जो देख रहे हैं आप, VBAT यहाँ पर इन हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे C2 और C1 जो है दोस्तों ये आपस में जुड़ी हुई है एक रजिस्टर के थ्रू, और C1 से ये चार्जिंग का आउटपुट निकल रहा है आपको, और C2 जो देख रहे हैं VBAT की लाइन है जो कि सीधा आपको बैटरी कनेक्टर पे जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर से ये रजिस्टर में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर ये IC में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोबाइल में आपके चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग का जो आउटपुट है जो VBAT है यहीं से निकल रहा है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं VBAT और चार्जिंग आउटपुट यहीं से है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर SCL SDA लाइन में या फिर इस GPU 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 आउट की लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इस IC में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोबाइल में फेक चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी, चार्जिंग परसेंटेज शो नहीं करेगी। यही वो लाइनें हैं जिसके अंदर आपको, यही वो IC है जिसके अंदर से आपको चार्जिंग शो होती हैं। ये लाइनें CPU से कनेक्ट होती हैं, जैसे ही आप चार्जिंग USB केबल इनपुट करेंगे तो ये जो होती हैं दोस्तों ये CPU का मैसेज करती हैं कि यहाँ पे चार्जर लग चुका है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ पे केबल लगा दिया है यूज़र ने। तो CPU क्या करता है दोस्तों, वो अब एक सिग्नल ऐसा एक्टिव करता है जो कि आपको इंडिकेट होती है चार्जिंग आपके डिस्प्ले पे शो होती है, तो ये लाइनें उसमें काम करती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेलिंग है और भी हम अपनी क्लास में बताते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आती हैं, बैटरी थर्मल की प्रॉब्लम, बैटरी इंडिकेटर की प्रॉब्लम, या फिर आपको जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है या फिर अनेबल टू चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, इस लाइन से आती है। अगर आपका मोबाइल दोस्तों यहां से चार्जिंग आउट हो रहा है, ये VBAT पे लाइन जा रही है, अगर ये लाइन यहां से कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तब भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा दोस्तों, यहां पे ये मोबाइल आपका डेड हो जाएगा। तो ये जो DC-to-DC कन्वर्टर IC है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाईपास करना चाहते हैं दोस्तों तो यहां पे ये जो है ये IC को बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर बाईपास कर भी देते हैं तो इसका बाईपास का भी तरीका है, बट दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप बाईपास कर देते हैं तो फेक चार्जिंग ऑटो चार्जिंग शो करेगा, ऊपर चार्जिंग ऑलवेज इंडिकेटर शो करेगा कि ऐसा लगेगा कि चार्जिंग का केबल इसमें लगा हुआ है और इसमें चार्ज भी नहीं होगा, बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी और ऑटो चार्ज का सिंबल शो होगा। और इसमें दोस्तों अगर ये IC ख़राब हो जाती है तो आपका मोबाइल आपका MI लोगो पे चला जाएगा या फिर जैसे ही आप USB केबल इसके अंदर लगाएंगे मोबाइल डायरेक्टली ऑन हो जाएगा या फिर डायरेक्टली बंद हो जाएगा, या फिर एक और प्रॉब्लम आ सकती है 5 सेकंड 10 सेकंड में ऑटो आपका मोबाइल शट डाउन हो जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम इस DC-to-DC कन्वर्टर से आती हैं। इससे मोबाइल आपका डेड हो जाता है, इसी से मोबाइल आपका अनेबल टू चार्ज पे चला जाता है, बैटरी इंडिकेटर पे चला जाता है, ऑटो चार्ज पे चला जाता है, यही सारी वो चीज़ें हैं और आपका मोबाइल डेड हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इसी IC की वजह से। तो दोस्तों ये एक DC-to-DC कन्वर्टर जो कि MI Redmi 5A रीवा हैंडसेट में लगी हैं, इस IC को अगर आप स्कीमेटिक में ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे U0502 जैसे आप टाइप करोगे इस IC की सारी डिटेलिंग आ जाएंगी आपको। तो यहाँ पे इस IC के अंदर यहाँ देख सकते हैं आप बक लाइनें, इसके अंदर I2C की लाइनें आ रही हैं, इसमें CPU से डायरेक्ट आ रही है, MPM जो कि मॉडर्न पावर मैनेजमेंट इसमें लगा हुआ है, जो कि वेकअप पिंस है। वेकअप का मतलब होता है दोस्तों जागने वाली। तो दोस्तों वेकअप पिन्स में बहुत सारी पिना होती हैं इसके अंदर आपको, अगर मैं बात करूं स्लीप मोड में मोबाइल जाता है, मोबाइल स्लीप मोड में जाने के बाद में फिर से जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो मोबाइल ऑन हो जाता है, वेकअप हो जाता है मोबाइल। तो ये सारी बहुत सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, आगे हम बताने वाले हैं, आप नीचे कमेंट करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने जो भी पेज पे, फेसबुक पेज पे शेयर करिए, यूट्यूब चैनल पे शेयर करिए। ये वीडियो जो है क्रिएटिव कॉमन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।